सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि कैलिप्रा इज सीन इन, जो कैलिप्रा है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है या कैलिप्रा कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है गैमेटोफाइट, दूसरा है स्पोरोफाइट, तीसरा है आर्चिगोनियोफोर, चौथा है एंथ्रीडियोफोर। तो गैमेटोफाइट्स क्या है, वो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स का। स्पोरोफाइट मतलब फूड सीटा कैप्सूल वाला पार्ट। उसके बाद क्या है आर्चिगोनियोफोर, मतलब कि वो वाला फिलामेंट या वो वाला स्टॉक जहाँ पे आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, और जहाँ पे एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है उस जो स्टॉक होती है उसे कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। तो ये कैलिप्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कैलिप्रा होता क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है इन ब्रायोफाइट द लोअर सेल ऑफ द वेंट्रल वॉल, जो वेंट्रल वॉल्स की लोअर सेल होती है वो क्या होती है, वो आर्चिगोनियम के नीचे से डिवीजन स्टार्ट करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है अराउंड द कैप्सूल। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा स्पोरोफाइट्स है, जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कंडीशन आती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोरोफाइट कंडीशन आती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फूड सीटा और कैप्सूल का, फूड सीटा एंड कैप्सूल का, एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। तो फूड सीटा और कैप्सूल के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा गैमेटोफाइटिक पार्ट होता है, मतलब हमारे पास जो आर्चिगोनिया होता है उसमें क्या होता है कि इस तरीके से आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऊपर जो है वो नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे तो कवर सेल्स होते हैं, सबसे ऊपर में क्या होता है कवर सेल होता है। कवर सेल के बाद मैं थोड़ा सा पेन का वो थोड़ा कम कर देता हूँ, ये कवर सेल है, ये हमारे पास है नेक कैनाल सेल, ये हमारे पास है नेक कैनाल सेल। इसके लोअर मोस्ट में प्रेजेंट होता है वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और सबसे नीचे प्रेजेंट होता है एक्सल्स। तो जैसे ही एक्सल में फ्यूज करके यहाँ से स्पोरोफाइटिक का फॉर्मेशन होता है तो वेंट्रल कैनाल की जो नीचे वाली सेल्स होती हैं ये डिवाइड करके हमारा जो फूड सीट और कैप्सूल होता है इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो कैलिप्ट्रा क्या है, कैलिप्ट्रा हमारे पास गैमेटोफाइटिक का एक स्पोरोफाइटिक के साथ हमें देखने को मिलता है, कैलिप्ट्रा देखने को मिलता है हमें स्पोरोफाइटिक ओरिजिन के साथ, मतलब कि फूड सीटा और कैप्सूल के साथ, लेकिन ये बना होता है किसका, गैमेटोफाइट्स का। ये अगर यहाँ पे सीन के जगह फॉर्म्ड होता, अगर ये सीन के जगह फॉर्म्ड होता तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होता वो होता गैमेटोफाइट्स, क्योंकि ये ओरिजिन इसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो गैमेटोफाइट्स होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है वेंट्रल वॉल से, जो कि गैमेटोफाइट्स का एक पार्ट है। लेकिन ये देखने को कहाँ मिलता है, स्पोरोफाइट के साथ इसको देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे कैप्सूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि गैमेटोफाइटिक ओरिजिन का होता है, उसे हम लोग कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में इतना ही।